Good morning, students. Welcome to Environment Class Standard 4. We will continue our third lesson today with Nandu. Nandu मतलब वो एलिफेंट है, वो कहाँ पे रहता है, किसके साथ रहता है, वो सारी चीजें हमने लेसन में देखी है. अभी यहाँ पे उसी लेसन में एक डिफरेंस दिया है. Write difference. Would you like or not like to live in a group? एलिफेंट जो है वो ग्रुप में ही रहते हैं. एलिफेंट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल का अपना एक ग्रुप होता है. तो वैसे ही एलिफेंट का भी है, जिसमें हमने देखा कि मेल एलिफेंट आफ्टर 14-15 ईयर के बाद वो अकेला फॉरेस्ट में चला जाता है, बट फीमेल एनिमल्स एंड बेबीज एनिमल्स ग्रुप में ही रहते हैं. तो अभी ये ग्रुप में रहने के फायदे कौन से है और उसमें नुकसान क्या है हमारा, वो चीजें वो दो डिफरेंस हमें यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं. तो फर्स्ट है व्हाई आई वुड लाइक, ये जो है वो टॉपिक है. फर्स्ट है व्हाई आई वुड लाइक, लाइक मुझे मतलब कि क्या लाइक. तो यहाँ पे है वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन ग्रुप. ग्रुप में रहना आपको पसंद है तो क्यों पसंद है. लिविंग टूगेदर गिव्स सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. गिव्स सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. तो अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो जैसे एनिमल लोगों का एक फायदा है कि चाहे वो ग्रुप में हो, अकेले हो, तो लायन या टाइगर कोई भी आके उसे खा सकता है. बट अगर वो ग्रुप में है तो ग्रुप में सब साथ में एक ही टाइगर हो या एक ही लायन हो तो उसका सामना वो कर सकते हैं. तो वैसे ही अगर हम ह्यूमन, ये ह्यूमन के बारे में है कि अगर ह्यूमन भी ग्रुप में रहते हैं तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है. तो फायदा ये कि लिविंग टुगेदर गिव सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. सिक्योरिटी भी रहती है कि घर में जैसे हम हैं तो जो भी जॉब करते हैं, लेडी भी है जॉब करती है, उसके मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चे को घर में अकेले कैसे छोड़ के आए. तो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी हो गए या फिर उसके बड़े पापा बड़े मम्मी या चाचा चाची कोई ना कोई घर पे होता है, तो एक क्या होता है कि सिक्योरिटी रहती है कि घर में अकेला रहता है कोई भी बच्चा तो वो जो पेरेंट्स जॉब करने जाते हैं तो उसे अंदर से एक तरह का डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा घर पे अकेला है. बट यहाँ पे अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी कि घर पे दादा दादी या कोई ना कोई होगा. तो वो और स्ट्रेंथ दैट मींस कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई चोर घर में आ गया या फिर और कोई, तो अगर घर में हम अकेले हैं तो हम चोर के पास या थीम्स के पास चाकू होगा या और कुछ ऐसी नुकीली चीज होगी जिसका सामना हम अकेले नहीं कर पाएंगे. बट अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक चोर को तो सब भारी पड़ जाएगा, है ना, सब लोग उसे मारेंगे या सब लोग उसे पकड़ के उसका उसको पुलिस में दे सकते हैं. बट यहाँ पे अगर आप घर पे अकेले हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे. तो वही चीज आई वुड लाइक, व्हाई आई वुड नॉट लाइक, तो वही चीज पसंद क्यों नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहना क्यों पसंद नहीं है. तो बहुत सारे फैमिलीज को जॉइंट में रहना नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारे पीपल को जॉइंट में रहना अच्छा नहीं. क्यों? तो वी मे बिकम डिपेंडेंट. तो क्या हो जाएगा, ये चीज भी एक तरीके हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम हर चीज में किसी के ऊपर डिपेंड रखेंगे. कि अगर हमें कोई चीज, घर में बहुत सारे बड़े लोग हैं जैसे पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, चाचा चाची है, दादा दादी है, तो घर में अगर एक दो बच्चे हो गए ना, दो तीन बच्चे भी हो गए ना, तो बाकी छह लोग बड़े हैं घर में, जैसे मम्मी पापा फिर चाचा चाची और दादा दादी, तो 6 पर्सन हो गए. तो वो 6 लोग बड़े हैं और बच्चे छोटे हैं, तो वो 6 लोग क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो छोटे बच्चे को कोई काम करने ही नहीं देते. या फिर कोई चीज, अगर कुछ पानी चाहिए तो लाओ मैं दे देती हूँ, खाना चाहिए तो मैं दे देती हूँ, खा, और कुछ चीजें करनी है तो वो लोग कंप्लीट कर देते हैं. तो छोटे बच्चे को वो रियलाइज ही नहीं होता है, वो खुद कुछ चीज सीखता ही नहीं है, कोई काम करना सीखता ही नहीं है. जैसे भी वो स्कूल से जाएगा तो वैसे ही दादी या दादा है या फिर चाचा चाची है तो उसे प्यार करेंगे उसे घर से. तो वो क्या है कि वो प्रॉपर अपनी जगह पे बैग शूज या लंच बॉक्स निकाल के या वाटर अपने बैग से निकाल के प्रॉपर जगह पे रखना नहीं सीखेगा, क्योंकि वो सारी चीजें या तो चाचा चाची
या मदर या फिर दादी कर देती है तो वो सारी चीजें वो करना सीखेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा कि वो किसी और पे डिपेंड हो जाएगा उसे, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे अकेला रहना पड़े तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो इतने सालों से ज्वाइंट फैमिली में रहा है तो वो अकेले रहने में उसे डर लगेगा, दैट मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये भी एक ये हमारा डिसएडवांटेज है, हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए। ओके, फिर सेकेंड है वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर। ये टॉपिक है कि अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे घर पे ही अगर है तो घर पे चाची है मम्मी है तो काम का बंटवारा हो जाएगा कि एक ही चीज सबको नहीं करनी पड़ेगी। अगर खाना अगर मम्मी बना रही है तो चाची कोई दूसरा काम झाड़ू पोछा लगा देगी, या फिर तो काम क्या हो जाता है बट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो एक दूसरे की हम हेल्प करते कर सकते हैं कि वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर। तो हर काम में हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये है साथ में रहने के फायदे। और यहाँ पे है वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री। तो यहाँ पे जो आज के एडवांटेज जमाने में आप भी है बच्चे भी है, उन लोगों को क्या मम्मी बोलती रहती है ये कर खाना खा ले सो जा होमवर्क कर लिख ले रीड कर ले, तो ये सारी चीजें है ना सुनने में बच्चों को अभी उन लोगों को वो चीज चलती है कि मम्मी तो बोलती रहती है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना तो उन लोगों को क्या रहता है कि मम्मी हमेशा बोलती रहती है बकवास करती रहती है ऐसा, तो उन लोगों को फ्री फील नहीं होता। तो सेम ईयर की जो आधे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे या बड़े भी ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को कोई टोकता रहे ना वो अच्छा नहीं लगता। जैसे दादी होती है तो दादी और या कोई बड़ा घर में है तो उनको क्या होता है कि हर चीज़ में वो लोग बोलते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो रात के 10 बज गए सो जाओ खाना खा लो टाइम, मतलब उन लोग का पहले के लोगों का क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि इतने बजे तब खाना खा ही लेना है रात को इतने बजे सो ही जाना है, जबकि आजकल के बच्चे को रात देर लेट नाइट तक टीवी देखना अच्छा लगता है, या फिर बड़े हो जाते हैं तो घूमने निकल जाते हैं तो रात को 10, 11, 12 बजे तक घूमते रहते हैं। तो अगर घर में और कोई हमसे बड़ा कोई पर्सन है तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो बार बार उस चीज़ के लिए हमें टोकेगा, तो वो हम फ्री फील नहीं कर सकते। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि वी मे नॉट फील फुली फ्री, तो हम अपने आप को फील फ्री महसूस नहीं कर पाते। तो ये टू पार्ट मैंने लिखा है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट अबाउट एलिफेंट। हमारा ये पूरा जो लेसन है डे विथ नंदू कौन है एलिफेंट का बेबी है, तो ये लेसन एलिफेंट के बेस पे तो उसकी एक शॉर्ट नोट लिख ली है। तो शॉर्ट नोट, एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स ऑन द अर्थ। एलिफेंट सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, दूसरा है एक व्हेल, व्हेल जो फिश है वो एक लार्जेस्ट एनिमल है। फिर दे हैव 4 legs व्हिच आर लाइक लार्ज पिलर्स, उसके 4 legs है बट वो कैसे है तो लार्ज पिलर, पिलर मतलब हमारे घर में जो पिलर लगे होते तो उनके भी लेग्स इतने मोटे होते हैं कि वो एक पिलर जैसा लगता है हमें। ओके, दे हैव 2 ears व्हिच आर लाइक बिग फैन। एलिफेंट के 2 ears है जो कैसे है बड़े से फैन लगाए हुए वैसे लगते हैं। Elephants have a special body part which is their trunk. उसका एक special body part है और वो क्या है? उसकी trunk. फिर elephant is a herbivore animal. तो ये जैसे हमने आगे first, second standard में, third standard तक आपने कोई भी animal के बारे में कि उसका color कौन सा होता है, उसके कितने legs होते हैं, कितनी eyes होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ है बट उसकी एक्स्ट्रा क्या है उनका, तो एलिफेंट के ईयर बड़े है सबसे, फिर उसके ट्रंक जो है तो सारे एनिमल्स की ट्रंक नहीं होती है ना। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसकी एक स्पेशल बॉडी पार्ट है उसका जो है उसकी ट्रंक, और वो हर्बीवोर मतलब वेजिटेरियन है, वो वेजिटेबल्स ही खाता है नॉनवेज नहीं खाता है। उसे क्या पसंद है हमने ये लेसन में सीखा था, लीव्स एंड ट्विग्स, ट्विग्स मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस। तो ये है एलिफेंट की छोटी सी शॉर्ट नोट।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगी। हमने उस दिन सीखा था कि कौन सा एनिमल राइड करता है, कौन सा एनिमल राइड दूसरे एनिमल को कराता है, तो उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, वो हम लिखेंगे। आगे हमने 4-5 क्वेश्चन लिख दिए थे, बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रही क्योंकि मुझे माइंड में नहीं है कि कितने क्वेश्चन हो गए, तो मैं ऐसे स्टार्ट करके क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ, आप नंबर लिख लेना अपने अपना जो भी। हाउ मच डू द एलिफेंट्स स्लीप इन अ डे? हाउ मच डू द elephant sleep in a day? Elephant दिन में कितने टाइम सोता है? How much do the elephant sleep in a day? तो आपको पता ही है, हमने लेसन में रीड किया था, वो 2 या 3 आवर तक ही सोता है पूरे 24 आवर में। Elephant पता ही है, लीव्स वो
पत्ते और उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं। तो एंड लीव्स एंड ट्विग्स आर द उलग कार्ड होता है, वैसे ऑक्स कार्ड भी होता है।
बुला गरोग जो होता है मतलब मेल होता है, तो वो तो यहाँ पे हॉर्स एलिफेंट कैमल एस एंड ऑक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हेन डू मेल एलिफेंट लीव द हर्ड, decision in
एलिफेंट हर्ट। एलिफेंट के हर्ट में कौन सारे डिसीजन लेता है? जैसे हमारे घर में अगर दादा दादी है तो वो सारे डिसीजन लेते, या फिर हमारे पापा, पापा की डिसीजन फाइनल होता है, ओके, जो भी लेते हैं। तो ओल्डेस्ट फीमेल, यहाँ पे मेल नहीं है, फीमेल है, क्योंकि मेल जो होते 14-15 ईयर ओल्ड के होते हैं, तब वो हर्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो बाकी एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो 75-85 ईयर तक रहते हैं, जीते हैं। तो उतने, ये तो मेल एलिफेंट है, तो वो तो 15 ईयर में तो अपने हर्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो जो फीमेल एलिफेंट होती है वही ग्रुप में बचती है, और बेबीज एलिफेंट बचते हैं। तो उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होते हैं टेक डिसीजन इन अ एलिफेंट हर्ट। जैसे यहाँ पे नंदू की नानी है, वो सबसे ओल्डेस्ट है, तो वो सारे डिसीजन उनके ग्रुप में लेते और सारे एलिफेंट उसे फॉलो करते। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो, मदर एम्पी या नानी
यहाँ पे ये वाले लिख दिए थे हमने, मैंने क्वेश्चन लिखा दिए थे कि टेक्स्ट बुक में द एनिमल विच इज राइडिंग, एनिमल विच इज राइडिंग मतलब कौन सा एनिमल के ऊपर अदर एनिमल राइड करते हैं, तो एग्रेट, स्पैरो एंड क्रो और वो सारे मतलब एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल बैठ के राइड करता है वो। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, तो हॉर्स, एलिफेंट, कैमल वो सारे होते हैं कि जिसके ऊपर हम बैठ के जाते हैं। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरी क्लोथ, तो वो हमने लिख लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट डू दे से, तो यहाँ पे एक है स्नेक, फिर बियर, हॉर्स, मंकी, कैट एंड पिजन, तो ये लोग जो अपनी सिचुएशन बताते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं, वो आपको रीड करनी है। आप टेक्स्ट बुक लेके आए हो तो वो आप रीड करना, उसमें से क्वेश्चन मैंने पूछे वर्कशीट में लिए है कि कौन सा एनिमल क्या कहता है वो, कि द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव, तो वो लाइन किसकी है, तो स्नेक की है, और वो लाइन आपको कंप्लीट करनी है। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर निकाल के भी बहुत सारे लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारी शॉर्ट नोट लिखा ही है, और एक चीज आपको खुद लिखनी है होमवर्क में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू मस्ट हैव सेन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो आपको आपके आसपास आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपको उसके बारे में लिखना है। यू मस्ट, ये जो है आपका ये होमवर्क है वन नंबर, यू मस्ट have seen many animals around you, right? या आपको होमवर्क में करना है यू मस्ट हैव